लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सातवां पे कमीशन के तहत अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल पर देश भर के रेलवे स्टेशन मास्टर नई दिल्ली। आज देश भर के रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों की भूख हड़ताल है। सातवें वेतन आयोग के तहत अपनी मांगों को लेकर रेलवे के सभी जोन के स्टेशन मास्टर आज 24 घंटे की भूख हड़ताल पर है। ऑयल इंडिया स्टेशन मास्टर संगठन ने शनिवार को देश भर में भूख हड़ताल का आह्वान किया, जिसके बाद रेलवे के सभी 68 डिवीजनों के स्टेशन मास्टर आज 11 अगस्त को ऑन ऑफ ड्यूटी भूख हड़ताल पर हैं। 39,500 स्टेशन मास्टर हड़ताल पर 24 घंटे के लिए। भारतीय रेलवे के लगभग 39,500 स्टेशन मास्टर भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि अच्छी बात ये है कि इस दौरान वो अपना काम जारी रखेंगे, ऐसे में काम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेलवे के सुरक्षा निदेशालय ने रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को परामर्श जारी किया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके और ट्रेनों का सुगम परिचालन को सुनिश्चित किया जा सके। क्या है स्टेशन मास्टरों की मांगे? देश भर के स्टेशन मास्टर अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर आज भूख हड़ताल पर हैं। दरअसल लंबे वक्त से स्टेशन मास्टर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। स्टेशन मास्टरों की मांग है कि उनकी ग्रेच्युटी फंड 4,200 के करीब पहुंचने पर उन्हें तीसरी पदोन्नति दी जाए। इसके अलावा स्टेशन मास्टरों के काम करने के घंटों को निर्धारित करने की मांग की गई है। स्टेशन मास्टरों ने अपने लिए संरक्षण और तनाव भत्ते की मांग की है। उनकी मांग है कि स्टेशन मास्टरों की 15% पदों को ग्रुप बी में पदोन्नत किया जाए। वहीं व्यस्त स्टेशनों पर 2 असिस्टेंट स्टेशन मास्टर तैनात किए जाने की मांग की गई है। नाइट ड्यूटी भत्ते को रिवाइज करने की मांग की गई है। साथ ही साथ स्टेशन मास्टरों के लिए विश्राम गृह बनाए जाने की मांग शामिल है।